कैसे हो आप? आई होप यू आर वेल। चलो बेटा, वर्कशीट स्टार्ट करते। क्लास टू की है, इंग्लिश की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 98, डेट है 27/10/21, टेक्स्ट बुक है मैरी गोल्ड, यूनिट है 5, फनी बन्नी स्टोरी। स्टूडेंट अपना नाम और टीचर का नाम लिखोगे। चलो बेटा देखते हैं वर्कशीट में क्या है। टूडे लेट्स रीड लाउड स्टोरी। वन डे ए नट फेल ऑन फनी बन्नी हैट। ही थॉट द स्काई वॉज फॉलिंग, so he want to the tell the king. One on the way he meet different animals. क्या हुआ, एक दिन एक फनी बन्नी था हमारा रैबिट, ठीक है ना, उसके ऊपर क्या गिर गया, एक नट गिर गया, और उसने सोचा कि आज स्काई गिर जाएगा हमारे ऊपर, स्काई गिरेगा, ठीक है। सो वेंट टू टेल द किंग, वो है ना राजा को बताने के लिए चल दिया। वन वे ऑन द रस्ते में उसने डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स मिल गई। In order to find out the which animal ne banni meet on the way and what happened to them the end, read the story funny bunny loud and your textbook. आपको ना आपको बताना है फनी बन्नी कौन कौन से एनिमल्स मिले और वो क्या हुआ स्टोरी के एंड में, फनी बन्नी में अपने टेक्स्ट बुक से आपको रीड करना है। तो क्या बेटा, जब इसने ये सोचा कि हमारा आसमान गिरने वाला है, तो फनी बन्नी सबसे पहले क्या गया, किसके पास गया, ये हे गया हैनी पैनी के पास गया, जो हैन थी, ठीक है। वह फिर उसके बाद कुकी लुकी के पास गया, उसके बाद पोसी गोसी के पास, उसके बाद ये गया हमारी लक्की डक्की एंड उसके बाद वॉक्सी फॉक्सी के पास। लास्ट में वॉक्सी फॉक्सी जो हमारा एनिमल था उसके पास पहुंचा। फिर उस एनिमल ने कहा, चलो हम में सब मिलके, मेरे पीछे पीछे चलो और हम सब मिलके किंग को बताएंगे कि आसमान गिरने वाला है, ठीक है। यहाँ पर एंडिंग हमारी स्टोरी हो जाती है। आप क्वेश्चन ए देखते हैं। यू मस्ट हैव एंजॉयड द स्टोरी फनी बनी। नाउ राइट देम नेम ऑफ द ऑल द एनिमल्स ऑफ द स्टोरी इन द ऑर्डर इन विच फनी बनी मेट देम वन हैज बी डन फॉर यू। जैसे इसका नाम क्या था, फनी बनी। आपको क्या करना है, आपने स्टोरी से फनी बनी में इंजॉय किया था बेटा, आप हमें इनके नाम लिखना है कि किस स्टोरी में ऑर्डर से कि फनी बनी लाइन से सिक्वेंस से लाइन से किस किस एनिमल से मिला था, हमें वो लिखना है। जैसे फनी बनी, फिर हाँ हमारा आएगा हैनी पैनी, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या आएगा, हैनी पैनी, उसके बाद है कुकी लुकी, फिर है पोजी गोसी, ये आएगा पोजी गोसी, फिर है हमारा लक्की ईटक्की और वॉक्सी फॉक्सी, ठीक है बेटा। क्वेश्चन पे देखते हैं। When a nut fell down on Funny and Bunny, he thought the sky was falling. He told the same the other animals and they believed him. What might have happened if the animals don't believe the words of Funny Bunny? Share your thought which you had teacher say parents. जब उसको पता चला इसके ऊपर जो एक नट्स गिर गया था, तो उसने सोचा कि आसमान गिरेगा, तो ही टोल द सेम अदर, उन्होंने सभी एनिमल्स को बताया और सब ने उस पर विश्वास कर लिया। वट माई मी हैपन इफ द एनिमल डोंट बिलीव द वर्ड्स ऑफ फनी बनी, यदि यदि वो एनिमल्स उस पर विश्वास नहीं करते तो आप बताओ ना है आपने तो क्या होता। तो क्या बेटा, यदि आसमान गिरना, जब फनी ने बताया फनी बनी ने कि आसमान गिरने वाला है, तो सभी जानवरों ने विश्वास कर लिया। हाँ बेटा, वे विश्वास नहीं भी कर सकते थे क्योंकि आसमान तो गिरता ही नहीं, ठीक है। वे कहते कितना बेवकूफ़ है, कितना मेंटल है कि आसमान तो कभी गिरता ही नहीं है, कैसे बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहा है, इस पर विश्वास कोई करता ही नहीं। तो ऐसे आप भी अपने थॉट, अपने आप जो आइडिया आपको लगता है कि यदि एनिमल्स को उस पर विश्वास नहीं होता तो वे क्या सोचते, तो आप अपने आइडिया से भी बता सकते हो, ठीक है, और अपने टीचर को शेयर करना है। फिर आता हमारा टॉक टाइम। डियर चिल्ड्रन लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली। व्हाट डू यू थिंक द पीपल इन द पिक्चर आर टॉकिंग अबाउट? इमेजिन किड देयर डायलॉग, से देम आउट लाउड एंड राइट देम इन योर नोटबुक। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर टू। यहाँ पे क्या है, एक मैन है जो एक गेहूं की बोरी लिए हुआ है और जिसकी वो मैं जो है वो गेहूँ पीस रही है, तो उसको कह रहा हूँ कि अभी और ज़्यादा गेहूँ भी पीसना है, वो कह रही नहीं बहुत ज़्यादा, कुछ भी आइडिया आप लगा सकते हो बेटा। अभिभावक से जाओ बच्चों से बातचीत कीजिए कि मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए बल्कि उससे डट कर सामना करना चाहिए, किसी भी मुश्किल का हल सूझबूझ से निकाला जा सकता है। कोविड आइसोलेटेड मैसेज,
कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस 6 फीट 2 आर, 2 गज की दूरी हमें बनाकर रखनी चाहिए। चलो बेटा, आज की वर्कशीट फिनिश होती है। अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय बेटा।